दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक राजस्थान के चुनाव नजदीक आए तो भाभी जी पापड़ का प्रमोशन करने वाले अर्जुन राम मेघवाल को सीधा कानून मंत्री बना दिया गया और बयान बहादुर किरण रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया। खुद किरण रिजिजू को उम्मीद नहीं होगी कि उनका रातों रात ऐसे डिमोशन हो सकता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर के बाद अब किरण रिजिजू को भी पता चल गया होगा कि मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए ऐसे ही नहीं किया है, जहां सरकार भी चुनाव के हिसाब से चलती है। इस खबर को चैनल वाले जितने हल्के में चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्या वाकई में यही है दोस्तों या कहानी कुछ और है? चैनल वाले कहते हैं कि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल को तरजीह देते हुए मोदी सरकार में सीधा कानून मंत्री बना दिया गया। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सिंपल है? अगर ऐसा है तो अर्जुन राम मेघवाल को केवल कानून मंत्री ही क्यों बनाया गया? उन्हें कोई और दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों नहीं दिया जा सकता था? केवल किरण रिजिजू पर ही क्यों गाज गिरी? इसके कई अर्थ सोशल मीडिया में और राजनीतिक पंडित राजनीतिक गलियारों में निकाल रहे हैं। दोस्तों, किरण रिजिजू के हाल के बयानों को आप याद कीजिए। कोलेजियम को लेकर वो लगातार जुडिशरी पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जब तक कोलेजियम खत्म नहीं होता, तब तक अंकल जज सिंड्रोम देश से खत्म नहीं होगा। इसके अलावा एक चैनल के कॉन्क्लेव में तो किरण रिजिजू ने यहां तक कह दिया था कि देश के कुछ पूर्व जज हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो राष्ट्र विरोधी गुट का हिस्सा हो गए, जो राष्ट्र विरोधी हो गए हैं। हालांकि उनकी इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना हुई थी। 300 से ज्यादा वकीलों ने लिखित आलोचना कानून मंत्री के इस बयान की थी और कानून मंत्री लगातार अपने इस बयान को लेकर बैकफुट में थे और लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि आखिर कानून मंत्री को इस तरह का बयान क्या देना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण रिजिजू के इन बयानों की वजह से ही, जो कोलेजियम को लेकर वो दे रहे थे या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को जो उन्होंने एंटी नेशनल कहा, इसकी वजह से उन पर गाज गिरी है? क्योंकि किरण रिजिजू उन मंत्रियों में से एक रहे दोस्तों जो हाल के सालों में मोदी सरकार के प्रखर वक्ताओं में से एक हैं। ना केवल तमाम टीवी चैनल्स में बल्कि अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में वो अपनी सरकार की भरसक प्रशंसा करते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा चेहरा है और उनको जब कानून मंत्री बनाया गया था तो बहुत वाहवाही मोदी सरकार की हुई थी कि कितना बड़ा मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट से आने वाले एक ऐसे चेहरे को दिया गया है जो हिंदी भी बहुत अच्छा बोलता है। तो किरण रिजिजू का आखिर कद घटाने के पीछे वजह क्या रही होगी, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें।